ओम शांति। आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 2 नवंबर की श्री वरदान की, जहाँ पर हम सीख रहे हैं कि फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है और पॉइंट पर आना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि आपका पॉइंट क्या, आप कहना क्या चाह रहे हो, उसी तरीके से पॉइंट क्या है उसको आज हम समझेंगे इस वरदान में, और फुल स्टॉप लगाना क्यों ज़रूरी है ताकि हम हर सिचुएशन में अपना कंट्रोल अपने हाथ में वापस ले लें। परमात्मा कहते हैं किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भवा। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि हम कनेक्शन में रहें, बनाए रहें वो कनेक्शन हमेशा परमात्मा पिता के साथ में, और वो कनेक्शन कोई भी सिचुएशन कोई भी व्यक्ति कभी तोड़ ना पाए। हाँ, इसमें यह बात यह है कि आप उसको ब्लेम ना करें कि आपका कनेक्शन टूट रहा है, वो भी एक गलत हो गया क्योंकि आप पॉइंट नहीं बने, आप पॉइंट्स के विस्तार में चले गए। तो परमात्मा कहते हैं सभी पॉइंट का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट बनना मतलब सोल कॉन्शियस, पॉइंट ऑफ लाइट, एनर्जी कॉन्शियस, कि हम जब इस धरती पर आए थे तो ये शरीर भी हमारे पास नहीं था, ये धन संपत्ति नहीं थी, ये आवाज़ भी नहीं थी, ये सारी चीज़ें गैजेट्स भी नहीं थे, हमारे पास में कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई भी इस दुनिया से रिलेटेड हमारा अस्तित्व तो नहीं था। इसलिए मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। इस स्टेट में जब तक हम नहीं आते हैं तब तक हम अपने रियल फॉर्म के साथ में कनेक्ट नहीं होते हैं, जो कि है आत्मा या पॉइंट ऑफ लाइट या एनर्जी या इन्फिनाइट बीइंग या क्वांटम फील्ड। तब तक हम उस रियल प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते बिकॉज बहुत सारी लेयर्स जम चुकी हमारे ऊपर। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पॉइंट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यों समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क क्यों? अगर आप अपने जीवन में देखें कोई भी चीज़ का आपको जो क्वेश्चन आता है वो भौतिकता से रिलेटेड होता है, बल्कि फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड, चाहे वो धन से चाहे संबंध से रिलेटेड हो। लेकिन अगर आप पॉइंट फॉर्म में रिलेट हो जाए अपने आप को कि मेरा कुछ नहीं, मैं कोई नहीं, मेरा कोई नहीं और मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मैं किसी चीज़ को ओन नहीं करता हूँ, करती हूँ, तो आपके सारे कनेक्शंस टूटे संकल्प में। फिजिकली नहीं तोड़े आपने और लोगों से नहीं तोड़े आपने, लेकिन आपने अपने साथ में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रखी पॉइंट बन करके, और आपके सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किसने किया, क्यों किया, सारी क्यों ख़त्म हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी फुल स्टॉप लगा दो कि मैं कौन, मेरा रियल अस्तित्व कौन, इस सारी भौतिक चीज़ों में जिसमें मेरा लोभ है या अहंकार है, ईर्ष्या है या घृणा है, जिसमें हमारे ये छोटे छोटे धागे लगे हुए हैं, उससे अगर मैं उन सब चीज़ों से अगर मैं ज़ीरो हो जाऊँ, मैं कोई नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं लेके आया था, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किसी चीज़ का ओनर नहीं हूँ, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है इस दुनिया के हिसाब से, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप ज़ीरो हो जाओ तो फिर आपको गुस्सा किस चीज़ पर आएगा, किस बात पर आएगा। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए पॉइंट लगाने का सहज स्लोगन है जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। अटैचमेंट है ना हमें हर चीज़ से कि अच्छा हो तो अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। ये जो युग चल रहा है दुनिया के लिए कलयुग चल रहा है, लेकिन जिसको ये समझ आ जाए उसके लिए संगम युग हो जाता है। ये राह समझ आ जाए कि हर एक सिचुएशन को कैसे फेस करना है पॉइंट फॉर्म में, सोल कॉन्शियस फॉर्म में, बिंदी फॉर्म में। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। अगर आप अच्छा कहते रहे हर सिचुएशन में, अच्छा कह रहे हैं जो हुआ अच्छा हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा ही दिखेगा। लेकिन अगर आप कहें सब बुरा हुआ तो आपको सॉल्यूशन की जगह पे आपको कारण मिलने शुरू हो जाएंगे, आप निवारण नहीं देख पाएंगे। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। सहज योगी मतलब परमात्मा से कनेक्शन जुटा रहेगा और सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे, नहीं तो फिर आप अपने ही प्रॉब्लम्स में घिर जाएंगे। तरीका है परमात्मा जो हमें सिखाते हैं, जो कि ब्रह्म कुमारी में सिखाया जाता है कि आप कैसे कोई सिचुएशन को फेस करें, किस एटीट्यूड से फेस करें, और यही है हमारा राजयोग मेडिटेशन। इसके साथ ओम शांति।